This is Muskan from EduPlanet, and today I'm going to discuss with you the concept of modes of partition. आज हम करेंगे कि वो कौन से modes हैं जिनके through validly partition हो सकती है and उन modes की क्या क्या requirements हैं. So here goes the video. Modes of partition हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर करा था कि partition क्या होती है, उसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, कौन से पर्सन्स एंटाइटल्ड हैं पार्टीशन के लिए एंड वो कौन से पर्सन्स हैं जो पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते बट स्टिल वो अपना शेयर लेने के लिए एंटाइटल्ड हैं. अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको आज वाला कंसेप्ट समझ आएगा. आज हम करेंगे मोड्स ऑफ पार्टीशन. हमारा हिंदू लॉ ऐसे बहुत से मोड्स को प्रिस्क्राइब करता है जिनके थ्रू पार्टीशन हो सकती है. आज इस वीडियो के अंदर हम उन सारे मोड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. और फर्स्ट मोड है ओरल पार्टीशन. ये कहता है कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां कोर्ट ने ये व्यू रखा कि ओरल पार्टीशन भी एक वैलिड मोड है. यानी अगर पार्टीशन रिटन फॉर्म में नहीं हुई है, आपसी बातचीत से हुई है, तो उस मोड को भी एक वैलिड मोड माना जाएगा. इससे रिलेटेड एक केस है रेवान प्रसाद वर्सेस एमएसटी राधा. उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि अगर डिवीजन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी यानी पार्टीशन जो कि अफेक्ट नहीं होगी, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, मतलब अगर ओरल पार्टीशन है तो उससे पार्टीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओरल पार्टीशन एक वैलिड मोड है. देन कम्स दी सेकेंड मोड, दैट इज यूनिलेटरल डिक्लरेशन. इट सेज दैट द सिवरेंस ऑफ स्टेटस कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय अ यूनिलेटरल एक्सरसाइज ऑफ पावर to partition. This in other word means that the consent of the other co-partners is not necessary. ये कहते हैं कि अगर एक single co-partner जो partition की demand करता है या partition चाहता है, अगर वो एक declaration दे दे तो उसे भी एक valid mode माना जाएगा. मतलब यहाँ पर बाकी co-partners का consent होना ज़रूरी नहीं है. अगर वो co-partners अपना consent नहीं देते हैं तब भी उस person की जिसको partner ने declaration दी है उसकी demand पर partition हो जाएगा. बट यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि partition का intention communicate होना ज़रूरी है सारे co-partners के बीच में. अगर co-partners को partition का पता ही नहीं है, intention communicate ही नहीं हुआ है, तो ये एक valid mode नहीं होगा. देन द नेक्स्ट मोड इज पार्टीशन बाय एग्रीमेंट. इट सेज दैट इफ ऑल द co-partners डिसाइड टू डिस्ट्रक्ट देयर जॉइंट स्टेटस, इट इज कॉल्ड एज पार्टीशन बाय एन एग्रीमेंट. दिस नीड नॉट बी इन राइटिंग. फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट द सीवरेंस ऑफ स्टेटस टेक्स प्लेस. ये कहते हैं कि अगर सारे co-partners ये डिसीजन ले लेते हैं कि हमें जो है पार्टीशन चाहिए, तो उस मोड को हम कहते हैं पार्टीशन बाय एग्रीमेंट. एंड इस मोड में ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन लिया गया है वो रिटन डिसीजन ही हो. अगर वो ओरल डिसीजन है, ओरल जॉइंट डिसीजन है, तब भी वो वैलिड माना जाएगा. एंड जिस दिन वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, यानी जिस दिन वो डिसीजन लिया जाएगा और वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है पार्टीशन का, उस दिन से सिवरेंस ऑफ स्टेटस हो जाएगा, उस दिन से जॉइंट प्रॉपर्टी को डिवाइड माना जाएगा. एंड यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो शेयर है
मतलब अगर पार्टीशन होती है तो सारे कोपार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अनइक्वल शेयर भी यहाँ पे मिल सकता है। देन कम्स दी नेक्स्ट मोड, दैट इज पार्टीशन बाय आर्बिट्रेशन। इट सेज दैट एन आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द कोपार्टनर हु डिवाइड्स द प्रॉपर्टी बाय मीट्स एंड बाउंड्स। ये कहते हैं कि जो कोपार्टनर्स हैं अगर वो पार्टीशन चाहते हैं तो वो एक आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं जो उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर सकता है, उसको डिमार्केट कर सकता है। तो ऐसे फॉर्म में अगर हम एक आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट करते हैं अपनी डिवीजन के लिए तो वो भी एक वैलिड मोड है। देन कम्स द नेक्स्ट मोड, दैट इज पार्टीशन बाय सूट। इट सेज दैट इफ पार्टीशन कैन बी अफेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विच इज़ एन अनइक्विवोकल इंटीमेशन ऑफ द इंटेंशन टू सेपरेट एंड सब्सिक्वेंटली द सेवरेंस ऑफ स्टेटस टेक्स प्लेस। ये कहते हैं कि पार्टीशन बाय सूट एक बहुत अच्छा मोड है जिसके थ्रू पार्टीशन हो सकती है। जो पर्सन पार्टीशन चाहता है वो सूट फाइल कर सकता है एक कंपिटेंट कोर्ट में जहाँ उसका केस बनता है, यानी जिस एरिया का वो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन जिस कंपिटेंट कोर्ट के पास आती है वो उस कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और ये इंटीमेशन दे सकता है कि मुझे पार्टीशन चाहिए। एंड उस डिक्री के ऊपर जो वो सूट की डिक्री आती है उसके बेस पे सिवरेंस ऑफ स्टेटस हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि जो सूट फाइल किया जाए वो कंपिटेंट कोर्ट में ही हो। जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड केस है तो उसकी डिक्री के लिए कलेक्टर के पास ही जाया जाएगा फॉर द एग्जीक्यूशन। मतलब कंपिटेंट कोर्ट का होना यहाँ पर ज़रूरी है। जिसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती आप उस कोर्ट में जाके अपना सूट फाइल नहीं कर सकते। देन द नेक्स्ट मोड इज पार्टीशन बाय कंडक्ट। इट सेज दैट द सेवरेंस ऑफ स्टेटस मे ऑल्सो टेक प्लेस बाय कंडक्ट। द कंडक्ट लाइक अ डिक्लरेशन ऑफ इंटेंशन मस्ट बी एक्सप्लिसिट अनइक्विवोकल एंड डिफिनाइट। देयर कैन बी न्यूमरस सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच सच एन इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन। ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पार्टीशन चाहता है तो वो पार्टीशन आपके कंडक्ट के बेस पे भी हो सकती है। अब वो कंडक्ट कैसा होना चाहिए? वो कंडक्ट अनइक्विवोकल होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए और डेफिनाइट होना चाहिए। अगर ये तीनों सिचुएशंस हैं हमारे इंटेंशन की तब वो कंडक्ट जो है वैलिड कंडक्ट माना जाएगा। और ऐसी बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं जिनसे ये चीज़ शो हो जाए कि हम पार्टीशन चाहते हैं, जैसे कि सेपरेशन, फूड के अंदर सेपरेशन हो जाना, वर्शिप के अंदर सेपरेशन हो जाना, या सेपरेट बिजनेस को एंजॉय करना, सेपरेट एक्सपेंडिचर एंजॉय करना, सेपरेट इनकम एंजॉय करना, या एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करना सेपरेटली। मतलब अगर कोई जॉइंट फैमिली है जो जॉइंट स्टेटस पोजेस करती है उसके अंदर अचानक ही उनका कोई मेंबर सेपरेट स्टेटस एंजॉय करने लग जाए तो वो क्लियरली शो करता है कि वो पर्सन पार्टीशन की डिमांड करता है, उसको पार्टीशन चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट मोड, दैट इज ऑटोमेटिक सीवरेंस ऑफ स्टेटस। इससे रिलेटेड ये कहा जाता है कि कन्वर्जन ऑफ अ कोपार्टनर टू अ नॉन हिंदू रिलीजन ऑपरेट्स एज एन ऑटोमेटिक सीवरेंस ऑफ स्टेटस ऑफ दैट मेंबर फ्रॉम अदर, बट इट डज नॉट अमाउंट टू सीवरेंस ऑफ स्टेटस अमंग द अदर मेंबर्स इंटर से। ये कहते हैं कि अगर कोई कोपार्टनर अपना हिंदू रिलीजन कन्वर्ट करके किसी नॉन हिंदू रिलीजन में चेंज हो जाता है तो इससे ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस ख़त्म हो जाता है, उसका स्टेटस कन्वर्ट हो जाता है। बट इस ऑटोमेटिक सिवरेंस से बाकी मेंबर्स के स्टेटस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो पर्सन कन्वर्ट हो जाता है उसी दिन से वो कोपार्टनरी से सीज हो जाता है।
और उसके पास कोई राइट नहीं रहता सर्वाइवरशिप का. देन कम्स द लास्ट मोड, दैट इज पार्टीशन बाय विल. इसमें ये कहते हैं कि विन को पार्टनर मेक्स अ विल विच कंटेन्स अ क्लियर एंड अनइक्विवोकल इंटीमेशन ऑफ देयर डिजायर टू सीवर देमसेल्फ फ्रॉम द जॉइंट फैमिली इज नोन एज पार्टीशन बाय विल. यानी अगर कोई कोपार्टनर एक विल बना लेता है जिसमें वो क्लियरली इंटीमेट करता है कि मुझे पार्टीशन की डिज़ायर है, मैं पार्टीशन चाहता हूँ, तो उस मोड को भी वैलिड मोड माना जाएगा और इस मोड को कहते हैं पार्टीशन बाय विल. तो ये थे हमारे सारे मोड्स जिनके थ्रू पार्टीशन हो सकती है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो. अगर आपको इस कंसेप्ट के अंदर या पहले कंसेप्ट के अंदर, पार्टीशन के कंसेप्ट के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.